क्लियर हुई चीज? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द अल्नाम। सो दिस बोन इज अप्लाइड अगेंस्ट द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस एंड इट इज प्रेजेंट इन फुल लेंथ ऑफ द रेडियस। यहाँ पूरी लेंथ में दिख रही है रेडियस की, ठीक है? जबकि जब हम इक्वाइन में जाएंगे तब ये फुल लेंथ में नहीं आती, इट इज जस्ट फिनिश एट द मिडिल थर्ड पोर्शन ऑफ द रेडियस, ठीक है? इसलिए वहां डिस्टल इंटरोशियस स्पेस भी नहीं प्रेजेंट होता, जबकि इन केस ऑफ कैटल द अल्ना इज प्रेजेंट इन द होल लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है? दिस बोन इज समवॉट प्रिज्मेटिक इन शेप, इट हैज प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी एंड द शेफ्ट, ठीक है? फॉर द शेफ्ट इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सरफेस जो है इसकी जस्ट अप्लाइड अगेंस्ट द अल्ना है, रेडियस है, एक सरफेस जो है वो अल्ना, सॉरी रेडियस, अल्ना की एक सरफेस जो है वो रेडियस के जस्ट अप्लाइड करती है, दैट सरफेस इज नोन एज एंटीरियर सरफेस, जो सिर्फ हमें इंटरोशियस स्पेस में दिखाई देगी। ये इंटरोशियस स्पेस है, इसमें यहां जो आगे की तरफ एक सरफेस दिखाई दे रही है दैट इज द एंटीरियर सरफेस, एंड समटाइम्स दे यूज द टर्म दैट इज द डॉर्सल, कभी कभी मिसनॉमरली दे यूज द डॉर्सल सरफेस। सो द Ulna is triangular in appearance. Bone is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखाई दे रही। So, this is also a long bone. However, it is less, not so much extensive. But this bone is has two extremities and the shaft. For shaft has three surfaces. One is anterior surface. जो anterior surface is directly applied against the posterior surface of the radius. यहाँ पे हमें anterior surface ऐसे exit exactly नहीं दिख रही है, but when we approach for the interosseous spaces, we can see the anterior surface. Okay? यहाँ जब देखेंगे तो ये जो facets के अंदर दिखाई दे रही है, ये surface है एक जो डायरेक्टली अप्लाइड अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस। सो वन इज द एंटीरियर सरफेस, नेक्स्ट वन इज द मीडियल सरफेस एंड थर्ड वन इज द लेटरल सरफेस इज समवॉट, ठीक है? पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। ऑल्दो मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर आर somewhat fused with the radius, but you can clear cut see the posterior border. दिखाई दे रहा है posterior border? Yes, sir. Posterior border clear है? ठीक है? So when we see the ulna alone, we can define that it is a long bone. It is placed in the forearm region. And it is applied against the posterior lateral aspect of the radius. It has two extremities and shaft. And shaft has three surfaces, three borders. Surfaces are anterior, medial, and lateral. Anterior surface, medial surface, and lateral surface. ठीक है? Medial surface is concave and lateral surface is convex. अब ये कैसे पता चला कि ये lateral surface होगी और ये medial surface होगी? ये क्यों मीडियल सरफेस है? Why this surface is named as medial surface? Anybody from the class? Ma'am, according to its position in अंदर की ma'am, according to the position of its in skeleton of cattle, it will face to the medial line. Okay.
इट इज टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, ठीक एंगल ऑफ ओलेक्रोन ऑन पोस्टरिस, ओलिग्रेनन मैम एंगल ऑफ ओलेक्रोन ऑन पोस्टरिस, ओलिग्रेनन प्रोसेस पे अभी आएंगे, अभी तो पहले हम यहाँ सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ कहाँ आप प्रोसेस दिख रहा है, मीडियल सरफेस पे कोई प्रोसेस दिखाई दे रहा है क्या, कोई प्रोसेस दिख रहा है क्या मीडियल मैम आपने वो पूछा था ना कि कैसे पहचानेंगे इंटीरियर। ग्राफिकल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स टुवर्ड्स मीडियल साइड, सिंपल जो उसका आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोन अलग से निकाल के मिल गई, अभी तो ये अटैच्ड है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये लेटरल साइड है रेडियस का, या ये टुवर्ड्स लेटरल है बाहर की तरफ है, या अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स मीडियल साइड है, दैट्स व्हाई दिस इज द मीडियल सरफेस। लेकिन अगर आपको बोन बाहर निकाल के दे दी, क्योंकि ये बोन डिसआर्टिकुलेट कर दी, ठीक है, अगर ये बोन डिसआर्टिकुलेट कर दी फ्रॉम द रेडियस और पकड़ा दी कि अब बताओ ये इसका मीडियल सरफेस कौन सा होगा और लेटरल सरफेस कौन सा होगा, तो उस टाइम पर ये फीचर्स काम में आएंगे कि हमें पता है कि मीडियल सरफेस इज कॉनकेव एंड द लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स, ठीक है। उस टाइम पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब ये बोन जो है वो रेडियस के साथ नहीं लगी हुई है, तब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मीडियल साइड की बोन है और ये लेटरल साइड की सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है और ये लेटरल सरफेस है, ठीक है। और जब हमें ये पता होगा कि कौन सा मीडियल साइड है कौन सा लेटरल साइड है, तब हम ये बता पाएंगे कि ये किस साइड की बोन है, ठीक है। ये किस तरफ की बोन होनी चाहिए, ऐसी इसकी टोपोग्राफिकल पोजीशन है तो ये बोन किस साइड की होनी चाहिए, किस साइड की होगी ये, राइट साइड, राइट राइट लग रही है। अब हम राइट साइड, ठीक है। सो दिस बोन इज बिलोंग्स टू राइट साइड, ये हमें अभी इसके साथ अटैच्ड है और हमें सारे फीचर्स पता है इसलिए हम इसको बता पा रहे हैं। तो अगर हमें बोन डिसआर्टिकुलेट भी मिलती है और अलग से भी मिलती है तो हम बता सकते हैं, ठीक, क्लियर, क्लियर है। नाउ कम टू द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, अल्ना में जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे, मैक्सिमम फीचर्स मिलेंगे, दे ऑल कम्स अंडर द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, ठीक है। ऑन द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी यू विल फाइंड द ओलिग्रेनन प्रोसेस एंड द सेमिलोनर नॉच, दिस एरिया, दिस जो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द सेमिलोनर नॉच, क्योंकि इट इज समवॉट हाफ मून शेप स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज सेमिलोनर नॉच, ठीक है। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को जब डिफाइन करने जाते हैं, दे डिफाइन दैट इट हैज टू सरफेसेस एंड टू बॉर्डर्स, दो सरफेसेस हैं और दो बॉर्डर्स हैं, दिख रहा है, टू सरफेसेस एंड टू बॉर्डर्स। सो ऑन द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी सरफेसेस आर मीडियल सरफेस, जो मीडियल साइड से कंटिन्यू हो रही है, एंड द लेटरल सरफेस, ठीक है। और एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के सेमिलोनर नॉच मिलेगी, क्लियर। ऑन द अपर एस्पेक्ट यू विल फाइंड अ ट्यूबरोसिटी दैट नोन एज ओलिग्रेनन ट्यूबरोसिटी, या यू विल फाइंड अ ट्यूबरोसिटी, अ ट्यूबरकुलेटेड स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ओलिग्रेनन ट्यूबरोसिटी, क्लियर। So the proximal extremity of the ulna has two surfaces, two borders, semilunar notch, olecranon tuberosity. ठीक है, क्लियर। इतने तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी हो? और कभी कभी इसे हम olecranon प्रोसेस की तरह भी डिफाइन, दे से दैट एट द प्रॉक्सिमल एंड एक्सपांडेड एंड कंप्राइज ऑफ olecranon प्रोसेस एंड द सेमिलोनर नॉच, क्लियर। इज देयर एनी डाउट, मैम मीडियल लेटरल सरफेस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जो ओलिग्रेनन प्रोसेस या फिर प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ अल्ना हम बोल रहे हैं, इट हैज टू सरफेसेस, वन इज मीडियल सरफेस, अनदर वन इज लेटरल सरफेस। द मीडियल सरफेस इज कॉनकेव एंड द लिटिल सर्फेस इज कॉन्वेक्स इन द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी।
एट द समिट ऑफ द ऑलिक्रिन प्रोसेस और एट द समिट ऑफ द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी यू विल फाइंड द ऑलिक्रिन एंड ट्यूब्रोसिटी. क्लियर? एट द एंटीरियर पार्ट यू विल फाइंड अ नॉच. दैट नॉच इज हाफ मून शेप, दैट्स व्हाई इट नेम्ड एज सेमिलुनर नॉच. टू बॉर्डर्स आर एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है, दो बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर. द एंटीरियर बॉर्डर इज प्रोजेक्टेड ओवर द सेमिलुनर नॉच. ये सेमिलुनर नॉच है, इसके ऊपर एंटीरियर बॉर्डर प्रोजेक्ट कर रहा है. इट प्रोजेक्टेड ओवर द सेमिलुनर नॉच इन द फॉर्म ऑफ एनकोनियस प्रोसेस. दिस एरिया इज एनकोनियस प्रोसेस. ठीक है, एनकोनियस प्रोसेस. द सेमिलुनर नॉच इज स्मूथ. ठीक है, द पोस्टीरियर बॉर्डर इज समवॉट कॉनकेव. पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑलिक्रिन प्रोसेस और द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी इज कॉनकेव. एंड द एंटीरियर बॉर्डर इज ओवरहैंग ओवर द सेमिलुनर नॉच इन द फॉर्म ऑफ एनकोनियस प्रोसेस. ठीक है, तो हमें तीन पार्ट टर्म्स मिले. कोरोनॉइड प्रोसेस जो हमें रेडियस में मिलेगा, एनकोनियस प्रोसेस जो हमें अल्ना में मिलेगा, एंड द ऑलिक्रिन प्रोसेस जो भी हमें अल्ना में मिलेगा, एंड ऑलिक्रिनल ट्यूब्रोसिटी. क्लियर? क्लियर हुई चीजें यहां तक मैम? मैम एक डाउट था कि ये लेफ्ट और राइट कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? वही मैं बोल रही थी, जैसे लेफ्ट और राइट हमें पहचानना है. ठीक है ना, तो लेफ्ट और राइट पहचानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके मीडियल साइड में हमें क्या मिलेगा और लेटरल साइड में क्या मिलेगा. अगर आपको ये चीज क्लियर है कि हाँ इसकी मीडियल सरफेस कॉनकेव होती है और लेटरल जो है वो कॉन्वेक्स होती है, तो किसी भी हाथ में पकड़ लो, हमें पता है कि मीडियल साइड अंदर की तरफ आनी चाहिए और लेटरल साइड जो है वो बाहर की तरफ जाएगी. इतने ये कंसेप्ट क्लियर है ना? यस मैम. है ना, तो अगर हमने हाथ में पकड़ी बोन, हमने बोन पकड़ी, अब हमें पता है कि मीडियल जो है वो कॉनकेव है और लेटरल जो है वो कॉन्वेक्स है. ठीक है, अगर हमने ये बोन इस हाथ में पकड़ी राइट साइड में, तो मीडियल अंदर की तरफ आ रहा है, लेटरल बाहर की तरफ जा रहा है. दैट्स व्हाई वी डिफाइन दिस बोन बिलोंग्स टू राइट साइड. अगर इसे हम यहाँ पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में पकड़ने पे क्या होगा, जो लेटरल कॉन्वेक्स सरफेस थी दैट कम्स इनसाइड. यस मैम. ठीक है ना, यस मैम. सरफेस थी वो बाहर की तरफ चली गई. अब यहाँ पर जैसे ये दोनों बोन जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अल्ला है वो उसकी टोपोग्राफिकल पोजीशन क्या हो गई? अल्ला में मिला था पहले मीडियल, मीडियल हो गई ना, और हमें पता है कि अल्ला इज सिचुएटेड एट द लेटरल एस्पेक्ट. यस मैम. ठीक, ये साइड जो है वो उसकी गलत साइड है. ओके मैम, इस बोन की गलत साइड है. जब हम इसे इस साइड में पकड़ते हैं तो सारे फीचर्स, अल्ना की टोपोग्राफिकल पोजीशन, लेटरल साइड, मीडियल सरफेस इज कॉनकेव, लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स, ये सारे फीचर्स जो हैं वो फिट होते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस बोन इज बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट. यस मैम, आपका एक मेरा लेफ्ट. यस मैम. मतलब जो भी पकड़ेगा, बिकॉज़ वी सपोज दैट द हेड ऑफ द एनिमल इज फेसिंग जस्ट एज द एज पर द हेड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो भी उसको लेके खड़ा है. मतलब मेरे हाथ में ये बोन है, दैट इज इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द हेड इज फेसिंग टुवर्ड्स अकॉर्डिंग टू माय फेस. ओके मैम. अगर तुम इसको अपने हाथ में लोगे तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स द बोन ऑफ राइट साइड, लेफ्ट साइड की बोन नहीं कहलाएगी. ओके मैम. बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू फेस, मेरे सामने खड़े हो तो तुम्हारा फेस जो है वो अपोजिट हो गया. यस मैम. तो आपको बोन की डायरेक्शन उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी. यस मैम. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द बोन इज बिलोंग्स टू राइट साइड. क्लियर है इतना? किसी को डाउट हो, कोई परेशानी हो, अभी भी पूछ सकते हैं. क्लियर? एट द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड जो है वो लेस डेवलप है ऑफ द अल्ना. प्रॉक्सिमल एंड पे तो हमें तीन चार फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल जाते हैं. डिस्टल एंड जो है वो दैट इज लेस डेवलप, इट फ्यूज विद द रेडियस. ठीक है, इट प्रोजेक्ट डाउनवर्ड, फ्यूज विद द रेडियस,
एंड फॉर्म टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्नार फैसेट. जो अल्नार फैसेट बन रहा है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है. अल्ना का जो डिस्टल एंड है दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्नार फैसेट. क्लियर? ये अल्ना का फैसेट जा रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है. सो द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना टेक पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्नार फैसेट एंड द पॉइंटेड प्रोजेक्शन. एंड द पॉइंटेड प्रोजेक्शन ऑफ द डिस्टल एक्सट्रीमिटी इज नोन एज स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना. स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है. तो हमें डिस्टल एंड में स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना मिलेगा. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द अल्ना टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्नार फैसेट. ठीक है, क्लियर चीजें? सो मैम एक डाउट है मैम, फैसेट किस स्ट्रक्चर को बोलते हैं? फैसेट जो आप बता रही हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर? ऑस्टियोलॉजिकल टर्म्स जब पढ़ रहे थे तब फैसेट किस स्ट्रक्चर को बोला था? किस स्ट्रक्चर को बोला था फैसेट? वही तो याद नहीं, मैं प्रोसेस पता है प्रोसेस क्या होती है, साइड फैसेट का क्लियर नहीं हो पा रहा है. प्रोसेस किसे कहते हैं चलिए बता दो. प्रोसेस मैम आउट ग्रोथ होती है किसी भी, अब बाहर निकली होती है जिससे कोई चीज आके अटैच होती है, सरफेस से बाहर निकली होती है प्रोसेस. प्रोसेस किसे बोलेंगे? प्रोजेक्शन को बोलते हैं ना. यस मैम. फैसेट जो है वो एक आर्टिकुलर सरफेस को बोलते हैं, स्लाइटली डिप्रेस मिलेगा अपने फैसेट. जहां भी हल्का सा डिप्रेस्ड और फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस जो मिल रही है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फैसेट. यस मैम. तो आर्टिकुलर सरफेस है फैसेट और स्लाइटली हमें हल्का सा डिप्रेस्ड मिल सकती है, जैसे डिमार्केटेड होती है. ओके, चारों तरफ से डिमार्केटेड होगा फैसेट और आर्टिकुलर सरफेस होगी. Yes, ma'am. आर्टिकुलर फैसेट टर्म ही यूज करते हैं. आर्टिकुलर फैसेट्स हैं ये जो खांचे हैं. फैसेट अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाए तो खांचा पॉकेट एक एरिया डिफाइंड होता है, उसके लिए हम फैसेट टर्म यूज करते हैं. ठीक है ना? यस मैम. एरिया फैसेट. यस मैम. ठीक. तो अल्ना का जो डिस्टल एंड है दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फैसेट ऑफ अल्नार फैसेट या अल्नार कार्पल बोन एंड अ पॉइंटेड प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट दैट नोन एज स्टाइलॉइड प्रोसेस. क्लियर? क्लियर है चीजें? थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. सो यस मैम. फॉर summarization, the ulna is less developed than the radius. It is present at the posterior lateral aspect of the radius and this is the bone of the forearm region and it is also placed almost obliquely vertically and it has two extremities and a shaft. Shaft is triangular in appearance. It has three surfaces and three borders. Surfaces are anterior surface, medial surface, lateral surface. Borders are posterior border, medial border and lateral border. At the anterior aspect, here you will find the two facets for articulation with the radius. On the proximal extremity, you will find the olecranon process and the semilunar notch. It has two surfaces, two borders, and at the summit, there is tuberculated area that known as olecranon tuberosity. The semilunar notch articulate with the humerus. ठीक है? यहाँ पर humerus आएगी ऊपर और उसके साथ articulation करेगी जो उसका olecranon fossa है उस area में. ऑलिग्रेन प्रोसेस जो है उसके साथ आर्टिकुलेशन वाला स्ट्रक्चर बनाएगा एंड दैट इज पॉइंटेड प्रोजेक्शन दैट इज ऑलिग्रेन ट्यूब्रोसिटी. सो इट आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एंड द एंटीरियर बॉर्डर इज ओवरहैंग ओवर द सेमिलुनर नॉच इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस दैट नोन एज एनकोनियस प्रोसेस. ठीक है, दिस इज द एनकोनियस प्रोसेस. At the distal end, you will find a pointed projection that known as styloid process and the distal extremity is less developed and it
take part in the formation of the articular facet for ulnar carpal bone. Clear? So this is all about the ulna bone and the radius bone. Things are clear to all of you? मैम अल्नार फैसेट में दोनों बोन पार्टिसिपेट करती है क्या, रेडियस और अल्ना दोनों? कौन सी अल्नार फैसेट में? हाँ अल्नार फैसेट रेडियल भी आएगी और अल्नार भी आएगी। ओके रेडियस भी आएगी। ठीक है ना, उसका जो कंप्लीट है जो टुवर्ड्स लेटरल मार्जिन है उसमें अल्नार अल्ना बोन जो है वो पार्टिसिपेट करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्नार फैसेट। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। Any doubt? इमेज नहीं आ रहा, कैसे होगा? यूज करें फॉर दिस पर्पज। एल्बो दिख रही स्टेट में आपको यहाँ फील हो रहा है ओलिग्रेन प्रोसेस वाला पोर्शन और ओलिग्रेन ट्यूब्रोसिटी, बट वेन यू एक्सटेंड योर लिम्ब और एक्सटेंड योर हैंड यू कांट फील इट। ठीक, ओके। So that is the thing, yes. That this bone is when it is flexion, you can feel this area, but whenever there is extension, this whole portion goes within the olecranon fossa of the humerus. Ek second main bone dikha bhi deti hu. Okay. So this is humerus. This is coronoid fossa and this is olecranon fossa. Yes, sir. Whenever there is situation of extension, because this is extension. So at the time of extension, you can see that semilunar notch and the Anconius process enter within the olecranon fossa. दिख रहा है? Yes, sir. है ना? ये ओलिग्रेन फोसा के अंदर चला गया, एनकोनियल प्रोसेस भी और सेमिलुनर नॉच भी, एंड दिस इज कंप्लीट एक्सटेंशन फेज। ओके। एंड दिस इज फ्लेक्सन। ठीक है, ये स्थिति, ये जो है डिक्रीज इन द एंगल इज द फ्लेक्सन। क्लियर हुआ? यस मैम। सो ड्यूरिंग द एक्सटेंशन द दिस एरिया इज आर्टिकुलेट विद द ओलिग्रेन फोसा ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द रेडियस एंड अल्ना ऑफ द ऑक्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सम फीचर्स ऑफ अल्ना ऑफ और डॉग एंड पिग। ये दोनों बोन्स यूजली हम पैरेलली यूज करते हैं, तो हम एक साथ ही जो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द कार्पल बोन्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंस। थैंक यू। पानी और डाल रहा हूँ।